फाउंडेशन जो हमारे हमारी कंपनी में जो लोग आए काम किया, मेरा एक दोस्त था गणपत लाल मीना, मंदसौर एमपी से बिलोंग करता, फेसबुक से नंबर लेके मेरे घर आया जयपुर, 500 रुपए नहीं थे बेचारे के पास, गरीब था बहुत, आया और मुझसे कहा सर मुझे आपके साथ काम करना है। मैंने कहा ठीक है सर आ जाओ जयपुर आ जाओ, प्लान दिया समझाया काम शुरू किया। दोस्तों 5 साल मेरे साथ काम किया, ब्लू डायमंड बना, 1,40,00,000 की इनकम उसकी हुई एसलीपीएस से। 9 जुलाई 2020 को कोरोना का बहुत ज्यादा प्रकोप चल रहा था, उसके बच्चे का जन्मदिन था, जन्मदिन मनाया, रात को 3 बजे उस लड़के को ब्रेन हेमरेज हो गया, 31 साल का लड़का था वो खत्म हो गया। आप बताइए उनके परिवार पर क्या बीती होगी। मुझे पता लगा, मैं रात भर रोया बैठ करके, मैं सुबह उठ के अपने घर गया, मैं और भंडारी सब दोनों गए थे, उनके माँ बाप ऐसे लिपट के रो रहे थे जैसे हमारा बेटा आया हुआ है, क्योंकि दोस्त हम बिजनेस होटल तक नहीं करते, हम बिजनेस लोगों के दिलों तक करते हैं। मैंने संजीव सर को बताया गुरुजी ऐसे से बात हुई है, गणपत लाल मीना जी जो ब्लू डायमंड थे वो एक्सपायर हो गए हैं, ब्लैर हेमरेज हो गया उनको। सर ने कहा यार बहुत दुखी हुआ, बहुत सारी चीजें, बहुत परेशान हुए। मैंने जिस टीम के साथ मैं काम करता हूं उनसे मैंने कहा कि भाई हमारे बीच में से ऐसा गया है, हमें कुछ करना चाहिए। मैं सलूट करता हूं जिस टीम के साथ मैं काम करता हूं, वैसे तो सारी टीम ही मेरी है, कुछ लोग हैं जो गणपत मीना जी के साथ है, उस टीम से मैंने बात की, 11,00,000 रुपए उन्होंने मेरे अकाउंट में डाल दिए, 11,00,000, कोई खानदान का भी नहीं देता। मैंने सर को बताया, सर बोले ये सलूशन नहीं है रामवीर, उस टीम ने तो 11,000 दे दिए, 11,00,000 दे दिए, किसी और ने नहीं दिए तो उस बच्चे का क्या होगा, मुझे कुछ सोचने दे। और उस दिन इस एसलीपीएस फाउंडेशन की स्थापना की। और दोस्तों कोई सरकारी कंपनी वाला, प्राइवेट कंपनी वाला आज तक किसी के घर पर नहीं गया होगा, 1,800 करोड़ की कंपनी के मालिक मिस्टर संजीव कुमार सर दिल्ली से गाड़ी में बैठकर 15 घंटे की ट्रेवल करके गणपत मीना जी के माँ बाप के पास गए मंदसौर, और उनके माँ बाप से बैठ के कहा अंकल जी मैं आपका बेटा नहीं ला सकता क्योंकि मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन आज आपसे एक बेटा वादा करके जा रहा है कि जो फर्ज तुम्हारे बेटे के थे वो नहीं निभा पाया, एक बेटा और है एसलीपीएस के रूप में, ये तुम्हारे फर्ज निभाएगा। 11,00,000 रुपए की एफडी दोनों बच्चों के नाम से मैं करके आऊं अपने हाथों से, 12वीं क्लास तक पढ़ने का खर्चा एसलीपीएस वेलनेस देती है। और आपको जानकर मतलब आपको यकीन नहीं होगा, जितना पैसा आप सबने मिलकर नहीं कमाया पिछले 2.5 साल के अंदर 1,00,000,000 रुपए उसकी बीवी के अकाउंट में गए हैं। बीसी परियार, डॉक्टर बीसी परियार, वो भी कोरोना में चले गए थे, क्योंकि भाई सांस है हमारे हाथ में नहीं है, सांस है तो ऊपर वाले के हाथ में है, कब हम चले जाएंगे हमारा पता नहीं, लेकिन एक व्यक्ति है जो हमारे जाने के बाद भी हमारे अपनों का ख्याल रखता है। गए थे परिहार जी तो केवल सफायर थे, 15,00,000 की इनकम थी, आज ब्लू डायमंड बन चुके हैं, 1,00,000,000 इनकम है मरे हुए इंसान की। दिलीप सर की टीम में उड़ीसा से हमारे एक भाई थे जो स्वर्गवासी हो गए, उनकी बीवी को बिचारी को हिंदी बोलना भी नहीं आता, जब गए थे वो डायमंड थे, लेकिन आज उनकी वाइफ दोस्तों ब्लू डायमंड है। आज ऐसे लगभग 50 बच्चे हैं जिनकी अननेचुरल डेथ हो गई, भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन उन 50 के बच्चों की फीस कोई और नहीं भरता, आपकी एसलीपीएस वेलनेस कंपनी भरती है। जिंदगी जियोगे और अपने आप पर भरोसा करोगे तो लोग आपके साथ चलेंगे।